दोस्तों बिग बैंग से ब्रह्मांड का जन्म 13.8 बिलियन ईयर्स पहले हुआ, लेकिन फिलहाल ब्रह्मांड का विस्तार 93 बिलियन लाइट ईयर है। इसका मतलब दोस्तों ब्रह्मांड का विस्तार प्रकाश की गति से भी ज्यादा तेजी से हुआ। और मजे की बात यह है कि ब्रह्मांड में कोई भी चीज प्रकाश की गति से ज्यादा तेजी से भाग नहीं सकती। तो फिर ब्रह्मांड का इतना बड़ा विस्तार हो कैसे गया? ऊपर से हमारे वैज्ञानिकों ने ये भी पाया कि दूर की गैलेक्सीज प्रकाश की गति से भी ज्यादा तेजी से एक दूसरे से दूर जा रही है। तो फिर आखिर ये कैसे संभव है? और सब तो ठीक है, लेकिन आपके मन में ये भी क्वेश्चन हुआ होगा कि हमारे वैज्ञानिकों को यहाँ पृथ्वी पर बैठे बैठे कैसे पता चल जाता है कि कौन से गैलेक्सी किससे कितनी तेजी से दूर भाग रही है। अगर दोस्तों आपके मन में भी ये सारे डाउट्स हैं, तो उन सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं लेके आया हूँ आज आपके लिए ये वीडियो, जिसमें आके बताए गए सारे क्वेश्चंस का समाधान हो जाएगा। तो दोस्तों आप है द नॉलेज के साथ, मैं हूँ हितेश गिरी गोसाई। और अगर आप नए हैं तो हेल्दी ज्ञान के लिए द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप इंस्टाग्राम पे भी है तो हितेश गिरी 15 सर्च करके मुझे इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। दोस्तों बिग बैंग से लेकर अब तक हमारा ब्रह्मांड लगातार एक्सपेंड हो रहा है। यूनिवर्स में हर वस्तु अपनी जगह से मूव कर रही है। पृथ्वी सूर्य के आसपास घूम रही है। सूरज अपने पूरे सौर मंडल को लेके हमारी आकाशगंगा के केंद्र भाग की परिक्रमा कर रहा है। और हमारी आकाशगंगा भी ब्रह्मांड में मूव हो रही है। ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूजिंग बात यह है कि हमारा ब्रह्मांड ना सिर्फ फैल रहा है, बल्कि वो प्रकाश की गति से ज्यादा तेजी से फैल रहा है। लेकिन प्रकाश की गति से ज्यादा तेज, भला ये कैसे संभव है? थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार ब्रह्मांड में कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पार्टिकल या कोई भी वस्तु प्रकाश की गति के बैरियर को तोड़ नहीं सकती है। ब्रह्मांड की कोई भी चीज प्रकाश की गति से ज्यादा तेज भाग ही नहीं सकती है। तो फिर ब्रह्मांड की ये बड़ी बड़ी गैलेक्सीज प्रकाश की गति से भी ज्यादा तेजी से एक दूसरे से दूर कैसे जा सकती है? पर दोस्तों हकीकत तो ये है कि ये बात पूर्ण रूप से सच है। सर एडविन हबल ने ब्रह्मांड का अध्ययन करते हुए ये पाया था कि यूनिवर्स में सारी चीजें प्रकाश की गति से ज्यादा रफ्तार से एक दूसरे से दूर जा रही है। अगर आप ब्रह्मांड की कोई भी दूर की गैलेक्सीज को देखेंगे तो वो सच में प्रकाश की गति से भी ज्यादा तेजी से हमसे दूर जा रही होगी। पर आखिर ये कैसे संभव है? क्या ये सर आइंस्टाइन की थियोरी का खंडन नहीं करता? तो दोस्तों सच बात ये है कि जी नहीं। सर आइंस्टाइन की थियोरी के मुताबिक ब्रह्मांड में कोई भी चीज खुद प्रकाश की रफ्तार से ज्यादा तेजी से ट्रैवल नहीं कर सकती है, इसलिए लाइट की स्पीड को द अल्टीमेट स्पीड माना जाता है। पर दोस्तों यहाँ पर ध्यान से सोचेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ब्रह्मांड की ये सारी चीजें, ये सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे से प्रकाश की स्पीड से खुद दूर नहीं भाग रहे, बल्कि उनके बीच प्रकाश की स्पीड से ज्यादा गति से स्पेस का विस्तार हो रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्मांड खुद फैल रहा है। मतलब कि ब्रह्मांड का जो खाली स्पेस है, जो हमें डार्क दिखता है, जहां पर कुछ भी मौजूद नहीं है, जहां पर हम कहते हैं कि ये शून्य अवकाश है, ब्रह्मांड के पिंडों के बीच की जो ये खाली जगह है, आप मानोगे नहीं, लेकिन उसका खुद का विस्तार हो रहा है। अब सवाल ये है कि शून्य अवकाश का आखिर विस्तार कैसे हो सकता है? तो दोस्तों ब्रह्मांड के बीच की जो खाली जगह है, जो अंतरिक्ष है, वो भले ही हमारे लिए शून्य अवकाश हो, लेकिन उसमें भी बहुत ही विपुल मात्रा में, पर बहुत ही सूक्ष्म रूप में डार्क एनर्जी और डार्क मैटर मौजूद है। और ये डार्क मैटर ही है जो प्रकाश की गति से भी ज्यादा तेजी से एक्सपांड हो रहा है और ब्रह्मांड के पिंडों को एक दूसरे से इतनी स्पीड से दूर धकेल रहा है। अब इसीलिए ब्रह्मांड के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट प्रकाश की स्पीड से ज्यादा तेजी से ट्रैवल नहीं कर सकता है, लेकिन ये नियम खुद ब्रह्मांड पे लागू नहीं होता है। और ब्रह्मांड खुद प्रकाश की गति से भी ज्यादा तेजी से ट्रैवल कर सकता है और कर भी रहा है। तो फिर दोस्तों ब्रह्मांड लाइट स्पीड से भी ज्यादा फास्ट ट्रैवल कैसे कर सकता है, इसे चले एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारा ब्रह्मांड एक गुब्बारा है और इस गुब्बारे की तरह बड़ा हो रहा है, और इसमें जो ये सफेद डॉट्स है वो मान लीजिए कि गैलेक्सीज है। अब हम इस गुब्बारे को जैसे जैसे अंदर से हवा देंगे, जैसे जैसे ये गुब्बारा फूलेगा, ये डॉट्स एक दूसरे से खुद ब खुद दूर जाने लगेंगे और इसके साथ ही गुब्बारा भी एक्सपेंड होगा, उसका भी विस्तार होगा। दोस्तों ये सफेद बिंदु खुद एक दूसरे से दूर नहीं जा रहे, लेकिन इनके बीच का जो गैप है वो बढ़ रहा है। तो दोस्तों इसी तरह हमारा ब्रह्मांड भी विस्तरित हो रहा है। हमारे ब्रह्मांड में जो शून्य अवकाश या खाली जगहें हैं, उसमें मौजूद डार्क एनर्जी और ब्लैक मैटर किसी भी दो पिंडों के बीच की जगह को और ज्यादा विस्तृत कर रही है, और ये ब्लैक मैटर लगातार दो पिंडों के बीच फैल रहा है। और इस तरह ब्रह्मांड के दो पिंड या गैलेक्सीज खुद ब खुद एक दूसरे से लाइट की स्पीड से दूर नहीं भाग रही, लेकिन ये डार्क एनर्जी और डार्क मैटर ही है जो उनके बीच प्रतिपादित हो रहा है, विस्तृत हो रहा है।
और इसके कारण इस गुब्बारे के डॉट्स की तरह हमारे ब्रह्मांड में गैलेक्सीज भी एक दूसरे से लाइट्स की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से दूर जा रही है। दोस्तों ये बात ऐसी है कि जैसे मैग्नेट के दो समान पोल एक दूसरे से दूर भागते हैं, क्योंकि उन दोनों पोल्स में से एनर्जी निकलती है और वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती है और इस वजह से वो एक दूसरे को दूर धकेलती है। और बस इसी लॉ के मुताबिक ब्रह्मांड का एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन कुछ बड़े पैमाने पर। ये डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ब्रह्मांड में मौजूद हमारे ऑब्जर्वेशन से परे एक ऐसी ही एनर्जी है जो ब्रह्मांड के विविध विजिबल पिंडों को एक दूसरे से बहुत दूर ढकेल रही है। ये विजिबल वस्तु ये कोई दो स्टार, दो गैलेक्सीज या कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो इस डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के लिए एग्जिस्ट तो करते हो लेकिन दोनों ऑपोजिट हो, और पिंडों को लाइट स्पीड से भी ज्यादा तेजी से दूर धकेलने वाली ये एनर्जी ब्रह्मांड के सबसे बड़े हिस्से में और ब्रह्मांड की खाली जगहों में मौजूद है। दोस्तों ये डार्क एनर्जी पूरी तरह एंटी ग्रेविटेशनल होती है, मतलब कि इस पर ग्रेविटी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और दोस्तों इस डार्क एनर्जी और डार्क मैटर को विजिबली ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस पर से लाइट रिफ्लेक्ट होकर लौटती ही नहीं है। और दोस्तों हमारे ब्रह्मांड में ये डार्क मैटर और डार्क एनर्जी मिलकर 96% जगह को रोकते हैं। ब्रह्मांड में बाकी 3.6% गैस है और ब्रह्मांड का सिर्फ 0.4% हिस्सा ही ऐसा है जो स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स और उसके जैसे दूसरे अवकाशीय पिंडों से मिलकर बना है। तो दोस्तों इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ब्रह्मांड का सबसे ज्यादा हिस्सा तो खाली, बंजर और अंधकार से भरा है। अच्छा दोस्तों, तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है ये हमें आखिर पता कैसे चला? हमने खुद ब्रह्मांड के बाहर जाके देखा तो नहीं कि ब्रह्मांड फैल रहा है, तो आखिर हमें ये पृथ्वी पर बैठे बैठे कैसे पता चला कि हमारे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है? तो दोस्तों इसको आसानी से समझने के लिए आपको समझना होगा ड्रॉपलर इफेक्ट को। दोस्तों ड्रॉपलर इफेक्ट को हम सीधे साधे एक छोटे से एम्बुलेंस के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप रोड पे खड़े हैं और दूर से एम्बुलेंस आ रही है, तो वहां पर आपको एम्बुलेंस के सायरन की ध्वनि धीरे धीरे सुनाई देगी। जब एम्बुलेंस आपके पास आ जाएगी तो ध्वनि बहुत ही तीव्र हो जाएगी और वो वहां से चली जाएगी तो धीरे धीरे उसकी ध्वनि कम हो जाएगी। आपने देखा कि एम्बुलेंस के सायरन के आवाज की फ्रीक्वेंसी लो से लेकर हाई और हाई से फिर लो हो गई, और ये साउंड की फ्रीक्वेंसी की जो पिच चेंज होती है उसे ही ड्रॉपलर इफेक्ट कहते हैं। अगर एम्बुलेंस रुकी हो और आप उसका साउंड सुने तो तब आपको साउंड की सेम पिच सुनने को मिलेगी, उसमें आप ड्रॉपलर इफेक्ट महसूस नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब दोस्तों ड्रॉपलर इफेक्ट का नेचर है दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेटिव मोशंस। और इसी तरह रेलवे स्टेशन पे ट्रेन की साउंड या गाड़ियों के हॉर्न की आवाज हम जो सुनते हैं वो भी ड्रॉपलर इफेक्ट के ही उदाहरण है। लेकिन दोस्तों ड्रॉपलर इफेक्ट सिर्फ साउंड पे ही नहीं होता है, ड्रॉपलर इफेक्ट लाइट में भी देखने को मिलता है। और दोस्तों लाइट के विजिबल स्पेक्ट्रम में जो ब्लू कलर है उसकी फ्रीक्वेंसी हाई है लेकिन वेवलेंथ लो है, और जो रेड कलर है उसकी फ्रीक्वेंसी लो है लेकिन वेवलेंथ हाई है। अब दोस्तों लाइट के केस में जब ब्रह्मांड में दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से दूर जा रहे होते हैं तो हमको स्पेक्ट्रम में वो लाइट रेड की तरफ शिफ्ट होती हुई दिखेगी, क्योंकि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से दूर जाते हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी लो होती जाती है पर वेवलेंथ हाई होती जाती है। और लाइट के स्पेक्ट्रम में लो फ्रीक्वेंसी और हाई वेवलेंथ रेड कलर की है, इसलिए यहाँ पर हमें रेड शिफ्ट देखने को मिलेगा। और अब ब्रह्मांड में अगर कोई दो ऑब्जेक्ट पास आ रहे हो तो ड्रॉपलर इफेक्ट के मुताबिक उनकी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी और वेवलेंथ लो हो जाएगी, और यहाँ जब हम उसे स्पेक्ट्रम में ऑब्जर्व करेंगे तो हमें ब्लू कलर दिखाई देगा। अब दोस्तों जब हमने प्रयोग किया, हमने हमारे टेलीस्कोप के द्वारा अंतरिक्ष की ओर देखा तो उस स्पेक्ट्रम में हमें रेड शिफ्ट देखने को मिला। इसका मतलब ये है कि सारे स्टार और सारी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही है। और जब हबल ने ये बात रिकॉर्ड की तो रेड स्पेक्ट्रम अविरत रूप से बहुत ही ज्यादा मात्रा में थे, और इन स्पेक्ट्रम्स के द्वारा हम ये भी जान सकते हैं कि कौन सी चीज कितनी तेजी से हमसे दूर जा रही है। और इसी गणना के कारण हमें ये मालूम हुआ कि कई सारी गैलेक्सीज हमसे लाइट स्पीड से भी ज्यादा तेजी से दूर जा रही है। तो इस तरह डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के कारण हमारे ब्रह्मांड का प्रकाश की गति से भी ज्यादा तेजी से विस्तार हो रहा है, और इसका पता हमारे वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड के ऑब्जर्वेशन के दरमियान वेवलेंथ के द्वारा चलता है। इन वेवलेंथ को साइंटिस्ट ऑब्जर्व करते हैं, और ब्रह्मांड में किसी भी चीज का अंतर हमसे कितना दूर है, वो हमसे कितनी दूर जा रही है और उसकी स्पीड क्या है, वो सब इसके द्वारा ही पता चलता है।
तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, हो सके इतने शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो साइंटिफिक और हेल्दी ज्ञान के लिए द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ध्यान रखें, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, टेक केयर।